आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम मक्का के आटे से मेथी के मसाले वाले पराठे बनाने जा रहे हैं। आइए हम बताते हैं इसमें क्या क्या सामान यूज होता है। एक बाउल मैंने मेथी ली है और एक बाउल ही आटा लिया है। आधी चम्मच मैंने नमक लिया है और दो हरी मिर्चें काट के, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच धनिया पाउडर और दो चम्मच मैंने ऑयल लिया है। हमने गैस मंदी करके तवा रख दिया है। इतना हमारा तवा गर्म होएगा इतना हम आटा मूंद लेते हैं। ये हमारा जो एक बाउल आटा था ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और एक बाउल जो हमारी मेथी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिर्च भी, धनिया, अजवाइन, यह हरी मिर्च आप मोटी ना काटें, बारीक ही काटें, क्योंकि यदि आप मोटी काटेंगे तो हमारा पराठा फट सकता है। ये गरम मसाला, इन सबको हम पानी डालकर अच्छी तरह से गूंध लेते हैं। आपको आटा मारने की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है कि आटा कैसे मारते हैं। आप अच्छी तरह से इसको पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा एक साथ ना डालें। ज़्यादा डालेंगे तो आपका आटा पतला हो जाएगा। देखिए हमने सारे मसाले, मेथी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इस तरह से आपका ऐसा ढो बना दिया आटे का। अभी हम इसको और तैयार करेंगे जिससे हमारे पराठे फटे ना। देखिए हमारा आटा बन चुका है। आप इस तरह का ढो तैयार रखें, ये मतलब ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। इस तरह का आप देखते होंगे कि आप इस तरह का रखें। थोड़ा सा आटा लेके आप इस तरह से लोई बनाएं और फिर इस तरह से करें। ये पराठे मसालेदार बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप अपने घर में बनाएं। ये थोड़ा सा आटा हमें इस पर डालना है और इस लोई को हम इसके ऊपर रख देते हैं और इस तरह से हाथ की मदद से इस तरह से घुमा घुमा के इस तरह से हमें ये पराठा तैयार करना है। इसमें आप बेलन का यूज ना करें, यह हाथ से ही तैयार हो जाता है। यदि आपको बनाने में दिक्कत आए तो ऊपर हाथ में थोड़ा सा आटा लगा के भी आप इसको घुमा सकते हैं और उठाने में जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से इसको उठाएं। इस तरह से आप उठा सकते हैं और एक्स्ट्रा आटा झाड़ दीजिए और अब हम तवे पे डाल देते हैं। चारों ओर तेल डाल देते हैं। अब इधर से हमारा पराठा सिक गया। अब इसको हम पलट देते हैं और इस पे ऑयल लगा देते हैं। अब इसको हम फिर पलट देते हैं और इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। पराठा करारा सीखें जिससे ये खाने में स्वादिष्ट लगे। देखिए मेरा पराठा कितना बढ़िया सिका हुआ है। आप इस तरह से मक्का के आटे से मेथी के मसाले वाले पराठे बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है बनाने, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें और जल्दी ही बन जाते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।